व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालने पहले तो देखो x का है कहां से 5% ऑफ ए एक्स, इसकी वैल्यू जो आपने निकालनी है, प्लस लिखा है प्लस 16% ऑफ 75 इक्वल टू 60। पहले तो इक्वेशन पहले से ही है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो आपको पहले तो परसेंट को हटा लो। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, सेंट मतलब 100, पर मतलब नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 के नीचे क्या हो जाएगा परसेंट, हटा लो नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, x वैसे प्लस 16% 16/100, परसेंट मतलब ही नीचे 100 है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 16, ठीक है। अब क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो जो वो एक साइड छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब कुछ दूसरी साइड लेकर जाना, लेकिन लेकिन पहले देख लो कि कट रहा है तो काट लो, बड़े नंबर क्यों लेकर के जाने हैं वहाँ पे। अब यहाँ दिख रहा है कि 5 से 100 कट जाता है बड़े आराम से, तो 5 बन जाए 5, कितने 5 जाते हैं दूसरी साइड लेकर के चलो, ठीक है, तुमने गलत किया पहले जो भी किया था, x मल्टीप्लाई 1 x अपॉन 20 हो गया, ठीक है, ठीक है ना, प्लस अच्छा ये 12 है ना, इसको लेकर के जाते हैं पहले दूसरी साइड, तो 12 चलेगा दूसरी साइड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, 12 हो गया दूसरी साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा x अपॉन 20 इक्वल टू 16 में से 12 माइनस का कितना हो जाएगा बोलो 4। अब x तो हमें चाहिए, x को रहने दो, यहाँ पे 20 क्या हो रहा है इसका डिवाइड, डिवाइड किया हुआ नंबर दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20, x की वैल्यू कितनी आएगी 80, 4 टू जाए 20, 4 जा 80, ऐसे करना चाहिए।